कि ब्लॉटिंग हो रहा है, ब्लॉटिंग के इश्यूज बहुत हो रहे हैं, और ब्लॉटिंग की वजह से आप फुले हुए नजर आ रहे हो, कपड़े ढीले हो जाएंगे 1 वीक में सिर्फ सिर्फ नमक को कम करने से और चीनी को एकदम छोड़ देने से। Hey guys, welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. आज करने वाली हूँ मैं कंचन राय के एक वीडियो का रिव्यू, जिसमें कि उन्होंने बताया है ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। और उनके बाकी वीडियोस की तरह इसमें भी उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अगर आप ये फूड्स अवॉइड करेंगे तो 30 डेज में 10 केजीज वेट लॉस कर लेंगे। बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, यू नो द ड्रिल, गो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ एंड हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो एज वेल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। व्हिच फूड इंग्रेडिएंट और आइटम यू शुड अवॉइड टू लूज वेट। पहली चीज आती है चाय। दिन की शुरुआत हुई और हर एक पर्सन, चाहे वो टीनेजर हो या एडल्ट हो, चाय का एडिक्ट जो होता है ना वो जाता ही नहीं है। चाय कितने हद तक, किस हद तक आपका वेट लॉस करने में लाइक आड़े आता है, बीच में कैसे वो बाधा बनता है आपके वेट लॉस में, वो मैं आपको समझाती हूँ। चाय आप ले सकते हैं, बट आपको कैसे बनानी है अपनी चाय, आपको 2 से 3 चम्मच दूध का यूज करना है, बाकी रेस्ट आपको पानी उसमें डालना है। द फर्स्ट थिंग दैट शी हैज आस्क्ड टू रिमूव फ्रॉम योर डाइट इज टी। शी इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका चाय के बिना दिन शुरू नहीं होता, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग चाय को इतना डिमोनाइज क्यों करते हैं, कि उनको क्यों लगता है कि आप मिल्क टी नहीं ले सकते अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। जो 1 कप टी अगर लेते हैं तो उसमें मोस्टली लोग 1/2 कप मिल्क डालते हैं, और अगर आप 1 कप मिल्क पूरा ले भी रहे हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट 8 ग्राम प्रोटीन होता है, 10 ग्राम्स आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, और फुल फैट मिल्क लोगे तो उसमें 10 ग्राम फैट होता है। अगर आप 1/2 कप लोगे तो इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी। नाउ डू यू रियली थिंक दैट यू नीड टू वरी अबाउट दैट 1 कप ऑफ टी दैट यू रियली एंजॉय हैविंग विद योर फैमिली, योर किड्स? इंडिया का ट्रेडिशन है चाय, मतलब अगर आप किसी के यहाँ भी जाएंगे तो वो आपको बिना चाय पिलाए जाने नहीं देते हैं। और ऐसे में अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं आपको जो चाय प्रिपेयर करनी है उसमें सिर्फ 1 टीस्पून या 1-2 टीस्पून मिल्क डालना है, इट वोंट टेस्ट एज योर नॉर्मल टी डस। इवन इफ यू वांट टू अवॉइड और कट डाउन ऑन चाय, आई वुड से कि आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दो। इंस्टेड ऑफ 1 कप आप 3/4 कप ले लो, उसमें थोड़ा सा शुगर का क्वांटिटी कम कर दो, बट कंप्लीटली एलिमिनेटिंग इट फ्रॉम द डाइट और मेकिंग इट इन अ वे दैट यू डोंट इवन इन्जॉय, दैट इज़ नॉट एट ऑल राइट। क्योंकि आप ऐसी भी चीज़ें अगर खा रहे हो तो आपका मन ही नहीं करेगा खाने का, और आपका जो एक फन मूवमेंट था, एक जो इंजॉयमेंट का टाइम था अपनी फैमिली के साथ में, वो भी चला जाएगा अगर आप वो टी को इंजॉय नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, डेयरी प्रोडक्ट। आपको अपने डाइट में से डेयरी प्रोडक्ट को कट ऑफ करना है। येस, अगर आप PCOD के पेशेंट हो तो डेफिनेटली आपको डेयरी प्रोडक्ट को आप बंद कर दीजिए। दूसरा, अगर आपको वेट लूज करना है और आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस जल्दी से हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट को अपने डाइट में ना लें। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे क्या आता है, पनीर, दूध, दही, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अवॉइड क्या करना है, दूध, मेनली आपको दूध अवॉइड करना है। अगर आप टीनेजर हैं तो आप दूध ले सकते हैं, सोया आलमंड मिल्क आप यूज कर सकते हैं, बाकी आपने रेस्ट नॉर्मल मिल्क अवॉइड करने हैं। साथ ही साथ आप पनीर भी बहुत कम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा पनीर यूज नहीं करना है। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो दूध की जगह आप दही ले लीजिए। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कर्ड का इनटेक अपने डाइट में कर सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं, लाइक उसकी अमाउंट एक छोटी सी कटोरी के बराबर आप कर सकते हैं एक दिन। जब भी आप वेट लॉस पे जाते हैं सबसे पहले आपको लगता है कि डेयरी प्रोडक्ट कट डाउन कर दो, बिकॉज है तो डेयरी प्रोडक्ट कट डाउन कर दो। नॉट एवरीबडी इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। यस, हम जैसे जैसे एज करते हैं हमारा हो सकता है कि मिल्क का डाइजेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू कंप्लीटली रिमूव इट फ्रॉम योर डाइट। फर्स्ट सी व्हाट सूट्स यू एंड व्हाट डजंट सूट यू। फॉर वेजिटेरियंस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज फॉर प्रोटीन। अगर आप वही हटा देंगे, अगर वो बोल रहे हैं कि आप दही भी खा सकते हो लेकिन कम क्वांटिटी में खाना, दूध भी है लेकिन उसको कम करना, पनीर भी ज्यादा नहीं ले सकते हो, तो फिर आप ये बताओ कि आपको प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? सबसे पहले चीज शुगर में, जैसे कि मॉर्निंग ड्रिंक, सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक में आते हैं तो हनी मिक्स कर लो किसी भी ड्रिंक में। कभी भी मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया कि आप मॉर्निंग ड्रिंक में हनी ऐड करें। इवन तो मैं अपने क्लाइंट्स में भी सबको मना करती हूँ कि हनी मत ऐड करिए। चाय में बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो चीनी नहीं मिक्स करते हैं, हम तो गुड़ मिक्स करते हैं, खांड मिक्स करते हैं और प्योर फॉर्म ऑफ शुगर है ये सब। तो नहीं, आपने वेट लॉस करना है, अगर आपको सीरियसली करना है तो फिर आप अपने चाय में से चीनी को, ये एक लाइक ये कड़वा सच है कि आपको अपने चाय में से चीनी को कट ऑफ करना ही पड़ेगा और आपको फीकी चाय पीनी ही पड़ेगी अगर आप रियलिटी में अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो। ऑब्वियसली ये तो होना ही था लिस्ट में। मुझे समझ में नहीं आता कि एज शी क्लेम्स दैट शी हैज स्टडीड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस साइंस, तो वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शुगर को आपको कंप्लीटली खत्म कर देना है अपनी डाइट से। यू नीड टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ शुगर दैट यू आर टेकिंग एंड यू नीड टू रिड्यूस ऑन द फूड्स दैट आर हाई इन शुगर। से फॉर एग्जांपल, अगर आप एवरीडे में केक खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, कुकीज खा रहे हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर होता है। बट अगर आप चाय, जैसे आप दिन में 2 कप चाय लेते हैं, उसमें आप 1 टीस्पून शुगर डाल रहे हैं,
That is barely like 3 grams of sugar that you are taking. And 3 grams of sugar is like 12 calories. That's it. Agar aap din mein 1600, 1700 calorie consume karte, toh 1 teaspoon mein sirf 12 calories hoti hai. Toh aap un 12 calories ke liye worry karne ki bajaye, aap ye dekho ki kahan par aise foods hain, jismein bahut zyada quantity mein sugar hai, wo eliminate karo. Fourth point hai, packed and processed food. डाइट आया है तो डाइट के लिए मार्केट में बहुत कुछ आ गया है, लाइक डाइट मुरमुरे, डाइट नमकीन, डाइट चूरा, डाइट लाइक बिस्किट, शुगर फ्री बिस्किट्स, डाइट के केक भी आ गए हैं. वेट लॉस करना है तो बाहर का पैक्ड और प्रोसेस चीज आपको एकदम कट ऑफ करनी है. फाइनली कुछ तो ऐसा बोला कि जिससे मैं एग्री कर रही हूँ. चलो अब हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं. ये जितने भी पैकेज स्नैक्स होते हैं इसमें बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं और ये फ्लेवरिंग एजेंट काम करते हैं कि जब भी आप उनको खाएं तो आपको बहुत ज़्यादा आपका स्वीट और सार और सॉल्टी वो सारे फ्लेवर्स इसमें मिक्स होके आते हैं. और जब ऐसा होता है तो आपको उन फूड्स को एक बार आप अगर खाना स्टार्ट करते हैं तो आप जल्दी उसको रोक नहीं पाते हैं. यू वॉन्ट इट मोर एंड दैट इज हाउ ऑल दीज पैकेज स्नैक्स कंपनीज आर डिजाइनिंग द टेस्ट ऑफ द फूड्स. सो इसीलिए कंप्लीटली अगर अवॉइड कर सकते हैं पैकेज स्नैक्स को तो कीजिए. बट डू यू रियली थिंक इट इज पॉसिबल कि आप कभी भी पैकेज स्नैक्स नहीं खाएं या आप कभी भी कोई एयरेटेड ड्रिंक्स इंजॉय नहीं करें? नहीं. जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं कहीं पार्टी में जाते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और कभी कभी आपका मन भी करेगा कि आप ये खा सकें. एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से दैट डोंट कम्प्लीटली से नो टू अ फूड और फूड कैटेगरी. रादर ऑलवेज लुक फॉर 80-20 रूल, विच बेसिकली मीन्स कि आप 80% ऑफ द टाइम्स राइट फूड्स खा रहे हैं, क्लीन डाइट पे हैं, एंड 20% ऑफ द टाइम्स आप थोड़ा बहुत चीट कर सकते हैं. बट यू शुड ऑलवेज नो कि वेयर टू पुट अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन एंड कम बैक टू योर 80%. सो यू डोंट बेसिकली नीड टू काइंड of deprive yourself or be completely out of those social scenarios, but you know how to enjoy but be in limits. अब बात आती है fruits. Fruits भी तो मीठे होते हैं तो क्या fruits को भी avoid कर दें? नहीं, fruits को आप ले सकते हैं but fruits में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको avoid करनी है. तो ये है हमारा fourth point कि fruits में आप कौन से fruits को avoid करेंगे. Fruits में आप avoid करेंगे mango और banana. And she is back to the stupidity again. Fruits avoid karna, mango and banana. I really don't wanna say anything about this. I really have nothing to comment on this. There is absolutely no logic. Trust me, you can always enjoy all the fruits that you love, but again, you should know how much carb you have to intake because these fruits largely have carbs, but they have also lot of fibers and lot of micronutrients. So, agar season hai mango ka, to mango khao. Agar banana acha lagta hai, to aap banana kha sakte hai, but you should know ki hume kitna quantity mein consume karna hai. Point jo ki hai, nuts and crackers, dry fruits, bahut calories deta hai. Wo, I know ki usme healthy fats hote hain, but abhi aapko ye samajhna zaruri hai ki aapko na itne zyada healthy fats ki zarurat nahi hai jitna aap le le. अगर आपको खाने का मन भी कर रहा है तो 10 पीनट्स लीजिए, 2 आलमंड्स लीजिए, दैट्स इट. ये थोड़ा वियर्ड है मेरे लिए कि ये 10 पीनट और 2 आलमंड का क्या चक्कर है, ये कौन सा लॉजिक है या कौन सा कैलकुलेशन है. लोग जब नट्स खाना स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि नट्स तो हेल्दी हैं तो आप कितना भी खा सकते हैं, बट एक्चुअली नट्स में हेल्दी फैट्स होते हैं लेकिन ये फैट जो होता है वो काफ़ी कैलोरी डेंस होता है. सो यू शुड नो कि आपको कितना क्वांटिटी में कंज्यूम करना है. तो एक छोटा मुट्ठी में ले सकते हो, एक छोटा सा कटोरी घर पे रखो जिसमें आप डिफरेंट टाइप के नट्स को ऐड कर लो. सिक्स्थ है राइस. देखिए आप ब्राउन लीजिए या फिर वाइट लीजिए, वो चावल ही है. और जब आपको अपना वेट लॉस करना है और फास्ट वेट लॉस करना है तो आपने ब्राउन राइस हो या फिर वाइट राइस हो दोनों को ही अपनी डाइट से हटाना चाहिए. चावल के बहुत सारे अच्छे खासे अल्टरनेटिव्स आ गए हैं. क्विनोआ राइस. अवॉइड राइस. माय ब्लड शुगर लेवल इज एक्चुअली राइजिंग. आई एम रियली गेटिंग एजिटेटेड. Why would somebody say that you need to avoid rice if you are trying to lose weight and you can have roti? Numerous videos have come on this and so many people, so many influencers have explained this, that you can absolutely have rice in your weight loss regime. You need not eliminate it completely. So here is all the details of like how much protein, carb and fat quinoa rice and brown rice are. And if you see, there is barely any difference between these three. The only thing is that your brown rice has little more fibers than your normal rice. Quinoa has slightly more protein. So, but it's not that ki agar aap inme se ye food items ko swap kar denge, to usse aapka weight loss suddenly start ho jayega. These are all good sources of complex carbohydrates. But the thing is that you have to enjoy your food. If you don't enjoy eating quinoa and you are forced to eat it, your body is not gonna take it so well. Normally हमारी plate कैसे दिखती है? एक छोटी सी bowl में rice होगा, थोड़ी सी सब्जी होगी, बहुत सारा rice होगा और उसके साथ में pickle होगा. Now what you need to do is
have like a small bowl of rice and then have loads of vegetables around it, have salad around it, have bigger bowl of dal. So then this makes like a balanced meal. But you cannot say that if you want to lose weight, you have to completely avoid rice. That is absolutely, absolutely wrong. क्योंकि salt का intake कम करना आपके weight loss के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि salt से water retention होगा और उसी से ही bloating भी होगा. आपको अपने diet से चीनी तो cut off करनी है, उसके साथ नमक को भी कम कर देना है. अवॉइड सॉल्ट. मैंने बहुत सारे लोगों की, एंड आई एम श्योर कि कंचन ने भी जो डाइट प्लान्स बनाए हैं उसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको डिनर में ना सॉल्ट नहीं लेना है. अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम डिनर में सॉल्ट नहीं ले सकते, हम डिनर में राइस नहीं ले सकते हैं, सिर्फ सूप पी सकते हैं, सब्जियाँ खा सकते हैं. तो इसको खा के फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेट नहीं भरेगा, दूसरा जब आपका पेट नहीं भरेगा आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद नहीं आएगी तो फिर आपकी रिकवरी नहीं होगी. तो ये तो सारा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है. अननेसेसरी आपको सॉल्ट को हटाना नहीं है. यस, आप सॉल्ट का इंटेक कम कर सकते हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं अपने फूड में, वो इंटेक आप कम कर सकते हैं थोड़ा सा, बट ये नहीं है कि आपको कम्प्लीटली सॉल्ट को हटाना है. सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर डाइट, तो उसको कम्प्लीटली हटा के आप अपने डाइट को और ख़राब कर लेंगे. आपको जब कोई फूड अच्छा ही नहीं लगेगा तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ईटिंग इट. जो कि टोमेटो सॉस और चटनी, देखिए इसमें क्या है, मीठा और नमक और चीनी दोनों ही है, तो वो आपके वेट लॉस के लिए अच्छे नहीं है. यू नो व्हाई सॉस एंड चटनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डाइट अराउंड द वर्ल्ड. हमारे इंडिया में भी ट्रेडिशनली हर जगह पे, नॉर्थ में, साउथ में, आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक डिफरेंट वैरायटी की चटनी मिलेगी. बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी की चटनी मिलती है. या आप कभी अब्रॉड भी ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे सॉसेस मिलते हैं आपको. तो इनको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक तो टेस्ट को इन्हेंस करते हैं हमारे फूड के, उसके साथ में इसमें बहुत सारे हर्ब्स यूज होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं. Where's the lamb sauce? Come on, man. I just need a... तो एक तो आपको ये हटाना नहीं है. Now you have to be smart कि आप किस टाइप के सॉसेज ले सकते हैं. तो I completely disagree कि आपको सॉस लेना ही नहीं है अपने फूड में, क्योंकि सॉस नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं होगा. बट येस, यू कैन ऑलवेज चूज सॉसेज जिसमें शुगर की क्वांटिटी कम. अगर आप सैंडविच बना रहे हैं तो उसमें सॉस को बहुत ज़्यादा मत लगाइए, थोड़ा सा क्वांटिटी में लगाइए जिससे आपका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाए और आप इतना ज़्यादा उसके साथ शुगर भी कंज्यूम नहीं करो. बट अगर आप दिन में एक दो तीन चम्मच अगर सॉसेज कंज्यूम भी कर रहे हो तो इट्स टू ऐड फ्लेवर टू योर फूड. बाकी जो आप फूड इतना सारा खा रहे हो, क्योंकि अगर आप सॉसेज इतने ले भी रहे हो तो आपका मैक्स टू मैक्स 50 टू 60 कैलोरीज आ रहा होगा फ्रॉम द सॉसेज. बट लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ इट, जो आप खाना खा रहे हो बाकी खाना इतना हेल्दी है कि अगर उसमें आप ये ऐड करते हो तो आप उसको इंजॉय कर रहे हो. And when you enjoy the food, that's the time your body is going to digest it so well, take it so well, and will convert in an energy, will give you a lot of hormones that make you happy, keep you happy. It acts as a stress releaser. अगर आपकी body में good hormones, happy hormones release नहीं होंगे तो आप stress-free नहीं होंगे. Stress-free नहीं होंगे तो weight loss नहीं होगा. So having food is not important. Having food that you enjoy is very important. So वो items को हटाओ मत जिससे कि आपके फूड में टेस्ट आ रहा है या जो आपको अच्छे लग रहे हैं. जस्ट ट्राई टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इट, चूज इट वाइजली एंड ईट इट स्मार्टली. सो दैट प्रीटी मच ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. एज यू कैन सी दैट आई फॉर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स डू नॉट एग्री विद व्हाट कंचन इज सेइंग. आई नेवर बिलीव इन अवॉइडिंग और कंप्लीटली एलिमिनेटिंग फूड आइटम्स फ्रॉम योर डाइट. आई ऑलवेज ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट दिस 80-20 रूल, where you have to be very mindful of eating while 80% of the times and 20% of the times you can let it go. So guys, weight loss is not the only thing in the world. You have to enjoy your life, you have to eat the food that you enjoy. So don't go crazy behind it, be mindful about it, learn the foods that are good for you and reduce the quantity of foods that are not so good for you. I hope you enjoyed the video today, and if you did, at least ek bande ke saath zarur share karna. I'll see you in the next video. Bye bye.